बंद करो, 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 बंद करो। दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल इंडियाज नंबर वन इमर्जिंग स्कूल, जहां है एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्री नर्सरी टू 9th। ये अभी ये ठेका खुला है पुराना, उससे भी बहुत ज्यादा परेशान थे हम लोग। रात तक ये लोग शराब बेचते रहते हैं और वो शराबी घूमते फिरते हैं इस एरिया में। अब और नया ठेका खुला है तो उससे तो और ज्यादा परेशानी हो गई, क्योंकि ये कॉलोनी के अंदर है। अब कॉलोनी में हम लोग घूमना फिरना भी चाहेंगे या निकलना ही मुश्किल हो गया। बच्चियों का भी बाहर, लेडीज का भी निकलना मुश्किल। अब जेंट्स भी अगर घर पे नहीं रहते हैं तो देर तक आते हैं शॉप से, तो बड़ी परेशानी होती है। बाहर निकलने में भी, घर में रहने में भी हमको डर लगता है कि चोरियाँ भी होने लग गई। इस वजह से कहीं बाहर निकल नहीं सकते हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा हुड़दंग मचा रखा है शराबियों ने, क्योंकि इधर खाली जगह है प्लॉटों की, तो उसमें ये लोग घूमते फिरते रहते हैं, यहीं पड़े रहते हैं। बहू बेटियाँ सबका छेड़खान, तो इतनी परेशानियाँ होती है कि लेडीज के लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई, बच्चों के लिए भी हो गया। रात भर वो दारू पी के घूमते रहते इधर उधर, घर के आगे तक पड़े रहते। कुसुम शर्मा, वार्ड 60 के ईदगाह रोड जम्बेश्वर नगर में एक देशी दारू का ठेका पहले खुला था, उससे पब्लिक बेहद परेशान थी। एक ठेका हाल फिलहाल और खुल गया सामने। अभी कंडीशन इस वार्ड की, इस क्षेत्र की ये हो गई कि शाम होते होते तो मातृशक्ति निकल ही नहीं सकती है। पब्लिक का आना जाना भारी हो जाता है, क्योंकि दारू पिए गए लोग आते जाते लोगों से लड़ते हैं, झगड़ते हैं और अशांति का माहौल हो गया है। और अब दूसरा ठेका खुल गया, उससे तो इतनी बुरी हालत होगी कि पूछिए मत। उसको देख के सारे क्षेत्रवासी आशंकित हैं। उनका प्रशासन से निवेदन है कि इन दोनों देशी दारू ठेके जो अवैध रूप से यहाँ हैं, इनकी मेन जो अलॉटमेंट हुआ है वो मेन रोड पे खुली हुई है, ये केवल गोडाउन के रूप में काम में आना चाहिए, लेकिन यहाँ से बिक्री केंद्र बना रखा है इन्होंने, ये तुरंत बंद होने चाहिए। ये प्रशासन से हम अपील करते हैं, भविष्य में कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार रहेगा। हम ये ईदगाह क्षेत्र है वार्ड 60 का, इसके बारे में और कहीं भी आपने पहले भी हमने ज्ञापन दिया था, करीबन एक हफ्ते पहले हमने आबकारी आयोग को, जिला कलेक्टर और SP साहब को ज्ञापन दे चुके हैं हम उस चीज़ के बारे में, और माननीय देवनानी जी से निवेदन किया था, उन्होंने तुरंत बात करी थी। आज वापस हम माननीय देवनानी जी के पास जाएंगे, निगम जाएंगे, और हम ये जो आवासीय स्थल पर कॉमर्शियल गतिविधि कर रहे हैं तो इसको सीज कराने के लिए भी हम निवेदन करेंगे। चंद्रेश सांखला, पार्षद, वार्ड 60।